हेलो दोस्तों, मैं रोमा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज भी लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस चटनी की रेसिपी। यह है अमरूद की चटनी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और इसे आप किसी भी इंडियन खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी से खाने का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो हमारी चटनी की रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए झटपट से बनाते हैं चटनी की रेसिपी। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं अमरूद। अमरूद को अच्छे से धो के कट कर लिया है। लहसुन, मिर्ची, अदरक और थोड़े से धनिया के पत्ती, इसे भी हमने अच्छे से वाश कर लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ एक मिक्सर जार, उसमें डालेंगे कटे हुए अमरूद। तो यहाँ हमने हाफ अमरूद लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अमरूद बहुत बड़े थे। और उसके बाद डाले हैं धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्ची। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले फ्रेंड्स। और अब हम इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पीस लिया है। अब हम एक बर्तन में चटनी को निकाल लेंगे। इस चटनी में देखिए फ्रेंड्स, हमने जरा भी पानी नहीं डाला है और कितने अच्छे पीसे हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का कच्चा तेल। तेल यहाँ हमने कच्चा डाला है फ्रेंड्स, इससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी यहाँ कच्चा तेल ही यूज़ करें। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी स्वादिष्ट सी अमरूद की चटनी। ये चटनी जितनी टेम्पटिंग लग रही है फ्रेंड्स देखने में, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को ये चटनी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। हमारे यहाँ तो ये चटनी बहुत ही पसंद किया जाता है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आने पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।